उज्जैन जिले के बड़नगर शहर के कोट चौराहे पर रहने वाले परिवारजनों ने पहले पुलिस कंट्रोल रूम पर लिखित में शिकायत की और मदद मांगी है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मदद की गुहार भी की है। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद ब्लैकमेलिंग का बताया जा रहा है। उज्जैन के बड़नगर कोट चौराहे के पास निवास करने वाला एक परिवार के सदस्य बेहद डरे हुए हैं और बेहद घबराए हुए हैं। इन परिवार के सदस्यों ने उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में शिकायत की है और अपनी समस्या बताई है। उज्जैन निवासी एक महिला के द्वारा उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। हमारे घर के एक सदस्य को पहले मोबाइल पर चैटिंग मैसेंजर के माध्यम से जान पहचान की और फिर प्रेम जाल में उलझाकर शारीरिक संबंध बनाकर पैसों की मांग की जा रही है। कई वर्षों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब जब हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो एक महिला बदनाम करने की और झूठे प्रकरण फंसाने की धमकी दे रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जांच करे उसकी और उनको न्याय दिलाई, बस इंसाफ दिलाई हमारे को, उसकी सारी जांचें करके और इंसाफ दिलाओ हमको उससे। और हमारा हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।